हैं आप हम आपको बस के बारे में तो एक्सीलेटर दे दें। बंद करो इंजन। अब बताते हैं आपको हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमने बाइक ली है हरियाणा की बाइक है और काफ़ी अच्छा नंबर है इसका। टायर भी ऑफ रोडिंग टायर है, काफ़ी अच्छा टायर है इसका। और अगर शॉकर की बात की जाए तो शॉकर भी अभी बिल्कुल नए हैं। और अगर इंजन की बात की जाए तो इंजन भी बहुत ही बेहतरीन है अभी इसका, इंजन भी अच्छा है। ये 2008 मॉडल ओल्ड अपाचे। हट जा। आपको मैं ओवरऑल व्यू दे देता हूँ इसका। ये चीज़ अभी हमने लिखाई है अपने देवते का नाम जयरुद्रा, जयरुद्रा अवार्ड गर्ल्स। और टायर ग्रिप भी अच्छा है, ब्रेक भी अच्छी है, साउंड भी अच्छी है, स्टैंड गियर शिफ्टिंग, इंजन क्वालिटी, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है इस बाइक का। ये बाइक हमने अभी आज थोड़ी देर पहले बाय की है। तो आपको इसका मैं मीटर दिखा देता हूँ। मीटर भी इसका एकदम सही है, आप देख सकते हैं। इसके साथ की भी अच्छी है, सेल्फ स्विच बोर्ड। 160 सीसी का ये बाइक, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है इस बाइक में। मैं सोचता हूँ कि ये बाइक एकदम सही प्राइस में हमारे को पड़ी है। और ये डेली यूज़ यानी कि सिटी राइडिंग के लिए बहुत ही अच्छी बाइक है, टीवीएस अपाचे। इसका ये ओवरऑल रिव्यू था। कोई भी मेजर स्क्रैच नहीं पड़ा है इसमें, थोड़े से हल्के फुल्के माइनर स्क्रैचेस पड़े हैं, वो भी मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। टंकी पर थोड़े से माइनर स्क्रैचेस, लुक वाइज भी काफ़ी बेहतरीन है ये बाइक, कोई भी कमी नहीं इस बाइक के अंदर अभी तक। टायर भी न्यू, ब्रेक्स भी न्यू और इंजन क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब हमने इसको हर तरह से आजमा कर देख लिया, कच्चे रोड में, पक्के रोड में, माइलेज टेस्ट हर चीज़ कर ली है। और मुझे लगता है कि ये 18,000 में एकदम सही बाइक पड़ी है हमें। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। Thank you so much for watching this video.